चलो। हेलो एवरीवन, तो आज हम सब नॉलेज गेट की पूरी टीम जा रही है एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा, और वहाँ पर उनका एनुअल फेस्टिवल चल रहा है, टेक्निकल फेस्टिवल। वहाँ पे हम जा रहे हैं एक वर्कशॉप के लिए, और केजी की पूरी टीम है। हमें बात करनी है एआई, इंडस्ट्री 4, रेवोल्यूशन, तो इन सब चीज़ों की बातें करेंगे। इट वाज़ ऑलवेज गुड टू गो टू अ कॉलेज बिकॉज बच्चों से एनर्जेटिक माहौल में मिलने का मौका मिलता है। कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट करने की भाई अटेंडेंस वगैरह की टेंशन हटा दो, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे होते, फिर चाहे प्लेसमेंट से चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी है। तो आगे का अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। मैम, आपको नहीं लगता ये जो संजीत सर है बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं? बहुत तेज और बहुत रफ चलाते हैं। अभी मेरे को ना डर लगने लग गया था, पीछे मार रहे हैं बस के इधर से, ऑटो के इधर से। मेरा चाइल्डहुड ड्रीम ये था कि मैं यूपी रोडवेज में ड्राइवर बनूंगा। 6th-7th क्लास तक मेरा यही सपना था। मेरा तो फिर भी मुझे बस चलाना बहुत, एटलीस्ट मैं पायलट तक सोचा था। मुझे बस चलाना बहुत पसंद था। आपको आती है बस चलानी? हां, मतलब कभी चलाई नहीं, वो अलग बात है। बस फिर तो बस के पैसेंजर बनाने का ही पहुंचेंगे, चलाने के बाद पता लगेगा। They'll stop you from semesters also? Yeah. अच्छा। Okay. Am I audible? Yes. Hello everyone, how are you? Fine. यह normally मैं जैसे बोलता हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूँ Knowledge Gate YouTube चैनल पे। कितने लोग आप में से मुझे पहले कभी देखा है जाना है? अच्छा, तो सेमेस्टर से एक रात पहले मैं भी हाँ। और कोशिश करूंगा कि कुछ मजेदारी वाली बात जैसे अपन YouTube पे कर रहे होते हैं वो करें, और इस इवेंट में आप लोग पार्टिसिपेट करना है उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन जो कर सकता हूँ करने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आपको। तो मायसेल्फ संचित जैन, और एक नॉलेज गेट करके एक छोटा सा सिस्टम हमने बनाने की कोशिश की है। I have done my masters from DTU, Delhi College of Engineering. उसके बाद in the very first year of my M.Tech also, जैसा अभी भी आप में से बहुत सारे लोग B.Tech कर रहे हैं ना, तो बड़ा confusion होता है career में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। I'll come to that industry 4.0, just give me 2 minutes. तो बड़ा confusion होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। I was also very confused कि should I sit for the placements या I should follow my dream जो teaching था, है ना। तो I didn't wait for my M.Tech to be completed. In the first year itself मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और अलग अलग शहरों में स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते थे, गेट, नेट, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। यू नो, यूट्यूबर इज अ प्रोफेशन आल्सो। बैक इन 2014-15-16 इवन बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं देंगे अगर आप बोलोगे कि आप यूट्यूब चैनल चला लो, बट देयर वाज नोबडी यू हु यू नो जो आपको जान रहे होते थे। सो द आइडिया इज कि मैं दिन में 6-8 घंटा क्लास ले रहा होता था, एंड देन I used to come back, then try to shoot 1-3 videos जो मेरे को समझ आ रही होती थी। अच्छा, कोई सिखाने वाला नहीं था, I'm not a photographer, तो कहीं से मैं बोर्ड का जुगाड़ करके लाया। जो पहली वीडियो सीमा फोर्स की मैंने अपलोड किया, आई थिंक इट हैज मोर देन 10 लाख व्यूज। उससे मैं जब वीडियो बना रहा था तो नीचे रूम में 3-4 लड़के लेटे भी हुए थे, है ना। तो कोई मतलब मैनेजमेंट नहीं था, बोर्ड लटकाए जैसे तैसे करके शूट कर दिया। कैमरा किसी से मांगा, ट्राईपॉड नहीं था तो एक गमला लाए, उसके ऊपर जैसे तैसे मैनेज करके पहला वीडियो बना दिया। बट देन
इंस्टेंट रिस्पॉन्स आने लगा. एंड देन आई वॉज टॉकिंग लाइक जियो आ जाएगा, मेरे को नहीं पता था. कोविड आ जाएगा, नहीं पता था. चीजें धीरे धीरे आसान होती गई, लोग यूट्यूब पे आते गए. और देन यू नो नाउ वी हैव ऑन यूट्यूब वी हैव अराउंड 5,78,000 सब्सक्राइबर्स. दो साल पहले हमने अपनी ऐप लॉन्च की नॉलेज गेट, देयर वी हैव मोर देन 50,000 रजिस्टर्ड यूजर्स. नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 20-30 पर्सन और एक्सप्लोर कर रहे होते हैं डेली, बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि आप लोगों की सेमेस्टर एग्जाम में कम से कम बैक ना लगे, कि एक या दो दिन का भी समय है तो आप प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट करो और पास कर लो. ये जो आजकल की जो हमारा फिलहाल जो स्टेटस है इसको हम बोलते हैं 4.0 चल रहा है. किसी भी कंट्री में ना एजुकेशनल, पहले एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन होता है, देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, देन वी गो टू इंफॉर्मेशन एज. बट इन इंडिया बचपन में हम लिखा करते हैं ना इस समय भारत एक कृषि प्रधान देश है, यस और नो? बट इंडिया में कभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस स्केल पे कभी आया ही नहीं. या तो कह लो चाइना इतना अच्छा कर रहा था, तो इंडिया हैज डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन टू आईटी, टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यू से दिस इंडस्ट्री 4.0. डिस्कशन का एजेंडा यही है कि थोड़ा सा आपको अपडेट करूं, समय के साथ आपको चेंज करना है ना. 5 साल पहले 10 साल पहले जो हम कॉलेजेस में पढ़ रहे थे वो अभी कितना इंडस्ट्री में यूजफुल है आप जानते हैं, कुछ खास है नहीं. नाउ माय यंगर ब्रदर इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, सो माइक्रोसॉफ्ट आमतौर पे क्या करता है, 2-3 साल के लिए एक एजेंडा बनाते हैं एंड देन जितनी भी टीम है, जितनी प्रोजेक्ट्स हैं अराउंड द ईयर वो उसी पे काम कर रहे होते हैं. सो आफ्टर दिस चैट जीपीटी कम्स इनटू पिक्चर, पूरा प्रोसेस रोक दिया आने वाले 2-3 साल का. और जितने भी लोग हैं, यू डोंट बिलीव, सबको बोला सब प्रोडक्शन रोक दो, सारी स्प्रिंट रोक दो, कोई काम नहीं करना, पहले 15 दिन 1 महीना सिर्फ AI पढ़ना सभी को. मार्केट इतनी स्पीड से चेंज हो रही है कि अगर आप अभी से अपने आप को चेंज करना नहीं शुरू करेंगे, है ना, और उस टेक्नोलॉजी को उस आइडिया पे काम करना नहीं शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे. मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद दिलाता हूं. लेट मी गो टू पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट फैक्ट्रीज. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, है ना, और ज्यादातर फैक्ट्री इंडिया की, खासकर बात करूं यूएस में और चाइना में तो दे आर वे वे यू नो हमसे काफी आगे हैं. लेकिन फैक्ट्री के अंदर किस लेवल का ऑटोमेटिक या किस लेवल का बोल सकते हैं ऑटोमेशन है अभी, कोई एग्जांपल बताओगे, इंटरेक्ट करोगे तो मुझे मजा आएगा. कौन बताएगा, मैं पूछ लूं किसी से भी. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम चल रहा है, हाँ हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है. देखो मैं एग्जांपल किसका लेके आया, ऑटोमोबाइल का ही, है ना. तो आजकल सपोज देयर इज अ असेंबली लाइन, है ना, बैठ जाओ, थैंक यू सो मच. देयर इज अ असेंबली लाइन, अब टाटा मोटर्स है या सुजुकी है, ये तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं. बाहर देशों में आप जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी फैक्ट्री मिलेंगी कि सिर्फ 2 लोग हैं, एक वॉचमैन है और एक साथ में डॉग है, उस वॉचमैन को बोर ना हो जाए उसका साथ देने के लिए. देयर इज नोबडी, पूरी की पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटिक मोड में चल रही है. तो ये जितना भी ऑटोमेशन है, क्या क्वालिटी कंट्रोल होगा, किस लेवल का प्रोडक्शन है. अब यहां पे आप मुझे बताओ किसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर का कि हमारा, हमारा. एक लेवल के बाद पूरी प्रोसेस कैसे कंट्रोल होगी, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक. जो रॉ मटेरियल है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल भी हो रहा है कि नहीं, बैच बाहर जा रहा है कि नहीं, तो हर चीज को हम क्या कर रहे हैं, पूरा ऑटोमेट कर रहे हैं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, आप मुझे बताओगे आपके घर में कौन कौन से डिवाइस है, जो मैं ऐसा कोई फिक्शन की बात नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड है. एयर कंडीशन में भी Wi-Fi वाले हैं, एयर प्यूरिफायर भी आजकल हो रहे हैं, और मैं क्या सोच पा रहा हूं और बताओ, लाइट बल्ब आर देयर, वाटर गीजर, मेरा वाटर गीजर कनेक्टेड टू Wi-Fi है. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस जो होंगे वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और सब आपस में बातचीत करके आपकी और मेरी लाइफ को रिलेटिवली क्या बना रहे होंगे, आसान बना रहे होंगे, है ना, जो बहुत हद तक ऑलरेडी होना शुरू भी हो चुका है. ऐसा नहीं हम कोई बहुत फिक्शन की बात कर रहे हैं. देन कमिंग टू बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा, बिग डेटा CSIT में बोलता हूं. अभी तो आप मान के चलो हमने डेटा स्टोर करना स्टार्ट किया है, है ना. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोग्राफ हैं आप लोगों के पास, कुछ तो होंगे ना, सब नहीं है. उनके पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की नहीं. अच्छा, आपका जो पूरा बचपन है क्या डेली की फोटोग्राफ्स हैं आप लोगों के पास, डेली की. लेकिन जो मेरी बेटी है ना 3 साल की, ये जो आने वाले टाइम में आप लोगों के बच्चे होने वाले हैं, उनका
नहीं मैं गूगल फोटोज, आप समझ रहे हो, अभी तो जस्ट हमने सर्वर पे डेटा अपलोड करना स्टार्ट किया है, इतना बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होने वाला है यू नो आने वाले टाइम के अंदर, और उसको हम कैसे कैसे यूज कर रहे होते हैं. जस्ट चेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवेज, सी डेली यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डेटा. आप कुछ ट्रेन है जो कंसिस्टेंटली लेट ही चल रही होंगी, है ना, तो चार दिन बाद बैठ के हम समझ सकते हैं यार ये ट्रेन डेली लेट हो क्यों रही है, इसमें इशू क्या है, इसमें कहां मैं प्रोसेस इंप्रूव कर सकता हूं, है ना. इस तरह के कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं. डेली मेरे को पता है कि ये ट्रेन वेटिंग लिस्ट में जा रही है, जस्ट बाय एनालाइजिंग द डेटा आई कैन टेल कि या तो इसमें दो बोगी एक्स्ट्रा लगाओ या इसके बाद एक ट्रेन और चलाओ, या ये ट्रेन खाली क्यों चल रही है, शायद इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रेन इस रूट पे चलाने की जरूरत नहीं है. तो डेटा से जो लर्निंग आपकी है वो बैंकिंग है, वो एजुकेशन है, वो फाइनेंस है ना. ट्रेडिंग में आप देख रहे हो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल. हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत यू नो कॉन्शियसनेस चाहिए, बहुत विजडम चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर हमसे बेटर यू नो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे होते. तो डेटा सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्यूचर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डेटा सेट का साइज बढ़ता जाएगा और चीजें और खतरनाक लेवल पे यू नो एआई इज देयर, वो हमसे बेटर डिसीजन ले रहा होगा. सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजी सर. एक लेवल के बाद अभी कोई बड़ी बड़ी रिश्वत लोग लेके इकट्ठा करते थे, अभी बर्गर पिज्जा कितना खाओगे. आप कोई बड़ा सामान खरीदोगे देन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सर्विलेंस में आ रहा होगा, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होगा सर्विलेंस में आ रहा होगा. अभी आप हम फील नहीं करते, आप में से आखिरी बार रेलवे खिड़की पे टिकट कटाने कब गए थे आप, अपने बैंक पासबुक वासबुक फिल कराने. हाँ, हमसे पहली जनरेशन के जीवन का एक इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था ये, इसमें अच्छा खासा समय खर्च हुआ करता था. आपने कॉलेज की फीस भरी थी कैसे, गेट का फॉर्म या कोई भी फॉर्म्स कैसे भरते हो, भाई पोस्ट ऑफिस वाले खाली बैठे हैं यार, बैंक वाले खाली बैठे हैं. पहले टेंशन हुआ करता था यार रजिस्ट्री करानी है, 2 लाख रुपए लेके जाना, 2 करोड़ रुपए लेके जाना, कैसे लेके जाएंगे. अभी गवर्नमेंट स्टाम्प भी ई स्टाम्प दे रही है. हाँ, आप कोई कोई वहां जाओ ना, कोई किसी को लूट लेना, अगर किसी की जेब में कितने रुपए निकलेंगे, आपकी जेब में कितने अभी स्पर्श, कितने, मैंने लगा 5 बोल रहा है. चलो 5 भी हो तो कोविड के बाद ये भी अच्छी बात हो गई ना. इंडिया में तो कोई 2 रुपया पेटीएम लेने से मना करता है क्या, अभी नहीं करता. मेरे पास अभी खुले नहीं थे, मेरी डॉटर आइसक्रीम वाले को बोल रहा था कि ये खुला दे दो, कह रहा भैया पेटीएम कर दो ना, तो वो मुझे एडवाइस कर रहा कि भाई पेटीएम कर दे, क्यों दिमाग लगा रहा है. आप लोग को क्या करना है या इस पूरे आइडिया का, इस पूरे सेगमेंट का, आप लोग, मैं आपको पका दूं नहीं ना थोड़ा सा, मेरे पास और मजेदारी वाली बात भी है, तो अगर हो तो मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूंगा आइडिया. सो अभी क्या क्या चेंज होने वाला है, जॉब क्रिएशन होगी या जॉब जाएंगी, जॉब क्रिएशन होंगे कि जाएंगी, दोनों होंगे. जब मोटर कार आई थी दिल्ली में तो जो घोड़े तांगे वाले थे उन्होंने हड़ताल की थी. ई रिक्शा तो ट्रांजिशन आपके सामने हुआ है, पुरानी रिक्शा याद है आपको, यस. कुछ लोग एक समय तक लड़ाई करते रहे, अभी कोई नॉर्मल रिक्शा दिखती है क्या, मेरे को तो नहीं दिखती, मे बी उन्होंने फाइट किया कुछ समय तक, बट देन मामला चेंज हो गया. सो जॉब्स क्रिएट होंगी नहीं, और पुरानी जॉब जाएंगी भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुराने चीज को पकड़ के रोते रहोगे या समय के साथ रिक्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करोगे. देन एफिशिएंसी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर सस्टेन प्रोडक्शन, एनहेंस इंटरनल कोऑपरेशन, सिटीज इंप्रूव्ड हेल्थ, वो कवर हो गया, सब जगह हमें इंप्रूवमेंट हो रहा होगा. आपको क्या करना है, स्किल्स एक्वायर करनी है. यूट्यूब पे सब कुछ है, तो अब एक बात आपको समझनी है, आपको स्किल्स एक्वायर करनी है और वेट नहीं करना कि कोई आएगा या मैं उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा तो मुझे स्किल मिलेगी. उससे अच्छी स्किल ऑलरेडी मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. कमिंग टू सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. कुछ बच्चे बस प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं ना एनालिसिस एंड पैरालिसिस. तो अगर मेरे को फोटोग्राफी सीखनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये लेंस चाहिए, ये कैमरा चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, घर से बाहर आप निकले नहीं, बट आप उस बात को सिर्फ क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो. और कुछ बच्चे हमारे पास इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे आ रहे होते हैं, छोटे छोटे एज में बहुत सीख रहे होते हैं, थंबनेल कैसे बनाना है, मैं यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, किसी भी डेटा को यू नो मार्केटिंग कैसे करनी है, एडसेट कैसे बनाने है, कैसे काम करना चाहिए. तो बाहर निकलो कॉलेज से, ट्राई टू सर्च प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उन लोगों के साथ काम करने के लिए सोचो, कोशिश करो जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड नेटवर्क एंड स्टे अपडेटेड, है ना. एक शेर है, जैसे मुझे शेर याद रहता नहीं, मैं याद करके आया हूं, तेरी जद के बाहर भी दुनिया है. जद समझते क्या, पहुंच. तेरी जद के बाहर भी दुनिया है, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी. कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि मैं बेखबर था, मुझे नहीं पता था, नहीं.
है ना। तो आपको इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को क्या काम करना है। नोबडी इज कमिंग टू यू और आपको आके सिखाने नहीं वाला, आपको खुद से अपडेट रहना है, आपका नेटवर्क होना चाहिए, आपके जुगाड़ होने चाहिए। सीएसआईटी में स्पेसिफिकली क्या जुगाड़ कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सीएसआईटी में होते हैं सर, आप अभी तो हद से ज्यादा सही बोल रहे हो, अभी तो फ्रेशर लेवल है ना, आपका प्लेसमेंट होगा, उसके बाद डाउन द लाइन आई विश 8 साल के बाद जब आप माइक्रोसॉफ्ट से अमेजोन पे स्विच करोगे तो किस बेस पे करोगे? अखबार में एड निकलता है, रेफरल के बेस पे सर। जब गूगल से अमेजोन में आओगे तो किस बेस पे आओगे? रेफरल के बेस पे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आपके कनेक्शन होने चाहिए जूनियर से सीनियर। कॉलेज में भी हो तो कुछ लोग होते ना सोते रहते हैं 4 साल, पता ही नहीं यार वो लड़का हाँ हो सकता हो, मेरे को पता नहीं है। तो बी कनेक्टेड, आप ही में से कुछ लोग कल को बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठेंगे, आपके जूनियर में भी वो लोग होंगे, आपके सीनियर्स में भी होंगे। तो बिल्ड योर कनेक्शन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। कुछ लोग होते हैं ना बड़े जुगाड़ी, है ना, तो उनके उनके कनेक्शन हो सकते हैं वो दुमड़े, हाँ मैं जानता हूँ उसको, दोस्त का दोस्त, वो भी कह रहा है कौन है बट चलो दोस्त है तो है, वो काम करा देगा आपका, लाइक दिस। एंड लास्ट पॉइंट इज अगेन, यहाँ पे ऐसा कोई है जो सीएसआईटी ब्रांच का ना हो, तो अगेन सीएसआईटी तो खैर अपने आप में ऐसा फील्ड है, कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें हम काम ना करते हो? आप बताओ, अगर ऑटोकैड हम बना रहे हैं, अगर इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो हमें किस फील्ड का नॉलेज नहीं होना चाहिए? बाद में पता नहीं आप कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी में होंगे, वहां कौन सा प्रोजेक्ट होगा, वहां किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी जिसपे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। सो कभी अपने आप को कन्फाइन मत करके चलना कि यार मैं सीएसआईटी वाला हूं, ये 0101 ब्रांच मेरी है, यही मुझे काम करना है। ट्राई टू नो ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल, नोबडी यूज, बाद में किस डोमेन में किस एरिया में आपको अपनी नॉलेज यू नो यूज करने का, अपने स्किल सेट पे काम करने का मौका मिलेगा। बात समझ आ रही है? फेयर इनफ। ये एक कंक्लूडिंग पॉइंट है बस, दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसके बाद बात नहीं करूंगा। अभी 10 मिनट और झेल सकते हो क्या? पक्की बात? थक तो नहीं रहे क्योंकि कोडिंग करनी है आपको? अच्छा ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस ये मैंने अपने लाइफ के लिख के रखे हैं और मैं इनको यूज कर रहा होता हूँ, मैं इनको इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, ये मैंने कहीं से छापे नहीं है, कहीं चैट जीपीटी से निकाले नहीं है, ये मेरी लर्निंग है। आपके कुछ काम आए तो रखना वरना जाने देना। लर्निंग नंबर 1, बी एवरेज, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। आज जब हम इंस्टाग्राम चेक करते हैं ना, सोशल मीडिया जाके देखते हैं, हमें हर लाइन का टॉपर दिख रहा होता है, लूजर दिख रहा होता है, हर लाइन का टॉप। अब अगर कोई यू नो समबडी इज वर्किंग ऑन फिजिकल फिटनेस, तो आपको लगेगा यार ऐसी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, है ना। एक दिन योगा करने का मन हुआ तो फिर कॉम्पिटिशन सीधे बाबा रामदेव से हुआ, यस और नो? यस। आप जिस भी फील्ड का आदमी देखते हो ना, वो एकदम तोड़ू फोड़ू है। अब इससे क्या होता है? इससे होता है अपने को डिप्रेशन, क्योंकि हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे ग्राफ के अंदर ना, बट अल्टीमेटली वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन एनीथिंग। तो मेरी एडवाइस क्या है, ग्राफ के अंदर अगर एन वर्टेक्स है ना, यू हैव टू बी एवरेज इन एन माइनस वन टाइम। फिटनेस पे आपको एवरेज रहना, आपको मिल्खा सिंह नहीं बनना, या अगर कोई और भी काम कर रहे हैं, कोई आपकी हॉबी है, कोई स्किल सेट है, बैडमिंटन खेलना शुरू किया, मैंने एक स्टूडेंट को एडवाइस किया भाई तू फिट नहीं है बैडमिंटन खेल, एक महीने बाद क्लास में नहीं है, मैंने कहा गया था, कह रहा सर वो बैडमिंटन कॉम्पिटिशन में चला, मैंने भाई इतना नहीं खेलना था, बस तुझे आधा घंटा खेलने के लिए बोला था, प्रिपेयर एग्जाम के लिए करना था। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एन माइनस वन टाइम एवरेज रहना। फिर जो भी आपका प्रोफेशन है, आप स्टूडेंट हो आपको पढ़ना है, मैं टीचर हूं मेरे को पढ़ाना है, 8 घंटे प्रोफेशनल काम करिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल ऑफ 1/3। क्या हर दिन अच्छा होता है? नहीं। क्या हर दिन खराब होता है? नहीं। किसी दिन आपके पास सब कुछ होगा ना, लाइट भी आ रही है, नेट भी आ रहा है, खाना भी खा लिया, बट मूड नहीं है, और नहीं है तो फिर नहीं है, क्या करें, बात समझ नहीं आ रही होती। कोई पोएट है, 2 साल से सोच रहा है कविता लिखूंगा, नहीं लिख पा रहा, एक दिन सुबह 3 बजे रात को मूड बना, बन सकता है क्या? बन सकता है। और उस समय मम्मी ने आके कह दिया सो जा चुपचाप, मम्मी प्लीज 2 साल से इंतजार करता, आज मूड बना आज लिख लेने दो। तो जिस दिन आपका 1/3 है ना, ट्राई टू यूज इट एज बेस्ट एज पॉसिबल, और जो लोअर वाला 1/3 होगा उसमें ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत है। तो आप अपने 1/3 को यूज करिए। नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स, ये बात बहुत बड़ी क्लीशे है 3 Idiots और बुक्स में, बट मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, एंड नाउ आई कैन टेल यू बाय एक्सपीरियंस। मैं अपने जीवन में पूरे दिन में वही स्किल सेट यूज कर रहा होता हूँ जो मैंने क्लास के बाहर सीखी थी। वो नाटक में पार्टिसिपेट करा रहे होते मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से, मैंने कहा मत कराओ यार, मार्च पास कराते थे, बट अभी पूरे दिन, अभी भी तो नाटक ही कर रहा हूँ आपके सामने, हाँ कि ना? यस, हेलो सर, नाटक कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट गुरु, इंटरनेट इज देयर, जो चाहिए डालो और सीखना शुरू करो। नेक्स्ट इज टेक कैलकुलेटेड रिस्क।
इस देश में ज्यादातर लोग परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो परेशान इसलिए कि दे वॉन्ट टू प्ले वेरी सेफ, है ना। आप में से ज्यादातर, मेरे घर वाले भी ये चाहते हैं कि तू देख ले एक बार SBI में ट्राई कर ले, अगर क्लर्क बन जाएगा तो कम से कम सेफ हो जाएगी लाइफ, यस और नो? यस। तो आप में से ज्यादातर लोग अपने पोटेंशियल पे खेल रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट अवर करियर टू बी वेरी सेफ, वेरी सेफ। ज्यादातर लोग, आप में से कोई ऐसा है क्या कि यू नो 10-20 हजार करोड़ का एम्पायर अगर ये नहीं चलाए तो क्या हो गया? मिडिल क्लास के पास, हायर मिडिल क्लास के पास भी खोने के लिए है क्या? आपके मेरे पास खोने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है, और अभी आपकी उम्र भी कुछ नहीं है। तो अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा है ना, एक्सपेरिमेंट करने का काम मन कर रहा है, कुछ रिस्क लेना चाहते हो तो लेना, थोड़ा कैलकुलेटेड रहना, इट शुड नॉट बी वेरी रैंडम, बट थोड़ा कैलकुलेट रिस्क लेना जरूरी है, तभी अच्छा कर पाओगे। यस। नेक्स्ट इज हैव शॉर्ट गोल्स। कुछ लोग जो गोल्स बनाते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म बनाते हैं कि मेरे को लाइक UPSC क्लियर करना है, या उससे भी लंबा गोल। जब गोल बहुत लंबा बनाएंगे तो उसके फीडबैक्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं, 5 साल पहले जो गोल मैंने बनाए थे, थैंक गॉड वो पूरे नहीं हुए, बिकॉज 1 साल बाद ही पता लग गया था कि ये गोल ठीक नहीं है। सही बोल रहा हूँ क्या? जो टारगेट मैंने लिए थे मैं उसे ऑलरेडी 2-3 टाइम बीट कर चुका होता हूँ। तो बहुत लंबी प्लानिंग अगर आप करोगे ना, तो अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तब भी पूरा नहीं कर पा रहे, एनवायरमेंट ही चेंज हो जा रहा होगा। तो शॉर्ट गोल बनाओगे तो जल्दी और सक्सेस मिलेगी, फीडबैक जल्दी आएगा। नेक्स्ट इज टाइम इज मनी। ये बात फैक्ट है या नहीं है? अच्छा, टाइम की कीमत होती क्या है ये बताओ। ये आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई एक कम्युनिटी जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं करती वो कौन है? वो स्टूडेंट है। ये फैक्ट है। तो बताओ टाइम की कीमत क्या होती है? क्या आपका, मेरा, आपके फैकल्टी का, अंबानी का, मोदी जी का, सबका टाइम सेम है क्या? नहीं, टाइम सेम नहीं है सर। समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है, और आपके टाइम की वैल्यू किसको करनी है? आपको करनी है। एक टाइम पे मेरे लिए ये ज्यादा लॉजिकल था कि मैं मेट्रो में ट्रेवल करूं, है ना, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे पता है कि अगर मैं अपना 1 घंटा बजाऊंगा, इट इज बेटर कि मैं कार रखूं, एक ड्राइवर रखूं, क्योंकि वो 1 घंटा मुझे यूटिलाइज करना है। अगर पैसा खर्च किया जा सकता है टाइम खरीदने के लिए तो करना उसको, आप समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कैब से जाने से 1 घंटा बचेगा, ट्राई टू यूज दैट। कुछ लोग वो उसी फेज में रहते हैं कि पैसा कमाना शुरू भी कर दिया बट अभी वो स्पेंड नहीं कर रहे। अगर पैसे से टाइम बचता है तो बचाना चाहिए, ये मेरी लर्निंग है अपनी। आगे बढ़ता हूं। प्रायोरिटीज प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व देम, वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी प्रॉब्लम डू नॉट डिजर्व टू बी सॉल्व, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम, और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे होते हैं। कंप्यूटर साइंस हम यही सीखते हैं कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नहीं, प्रॉब्लम की प्रायोरिटी बनाइए। और आप में से हर कोई सॉल्व तो कर रहा होता है, बट जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो नहीं की, कुछ और कर लिया, एंड ब्ला 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 ब्ला, वही N-1 में इतना घूमे कि जो इंपॉर्टेंट नोट था वो अनकवर्ड रह गया। प्रायोरिटाइज योर प्रॉब्लम, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले सॉल्व करो। इफ यू आर वर्किंग ऑन द करेक्ट प्रॉब्लम, सर्टेनली यू आर डूइंग इम्पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पिछले 2-3 साल में मैंने सीखा है। जस्ट 6-7 महीने पहले आई हैव गॉन थ्रू अ यू नो अपेंडिक्स ऑपरेशन। आप इसके आजू बाजू कितना भी घूम लो, वैसे ये एक ऐसी बात नहीं है जो मुझे कॉलेज में आके करनी चाहिए बच्चों से, आप लोग तो फिट ही हो, बट यार जिस लेवल से डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, हमारी हेल्थ काफी गड़बड़ रहती है। और मैं CSIT बच्चों से बात करता हूँ, आप लोगों की तो हेल्थ गड़बड़ होनी ही है। कब तक? 35 तक 40 तक अभी आप रियलाइज नहीं कर। तो अभी से एक शेड्यूल बनाओ, दिन में आधा घंटा 1 घंटा, बोथ, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ थिंग्स, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, दोनों पे काम करना अभी से शुरू करना। तो आज से तैयारी करोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना फिर वही बात की है सब कुछ बट अब इसको एंजॉय कैसे करें, वो नहीं कर पा रहे होंगे। यस। एंड लास्ट थिंग इज बी हैप्पी, है ना। लाउजी एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसने बहुत कुछ किया अपने जीवन में बट सब कुछ करने के बाद बोल रहा है ज्यादा लिख दिया, इसको पढ़ेगा कौन? कि सर क्या करें? कह रहा एक लाइन लिखो, जो है ठीक है, बस। ये कंक्लूजन था लाउजी के जीवन का। क्या लाइन है? जो है ठीक है। क्योंकि आप कितना भी खराब क्यों ना करो, कुछ लोग मिलेंगे जो आपसे नीचे बैठे होंगे कहने के लिए नहीं भैया आप अच्छा कर रहे हो, और आप कितना भी अच्छा क्यों ना करो, कुछ लोग होंगे जो आपके ऊपर बैठे होंगे जो बताएंगे नहीं तू बेकार है, तूने कुछ नहीं किया। तो करो सब कुछ जो कर सकते हो, उसके बाद में हैप्पी रहो, एंजॉय करो लाइफ को, एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली गुड। थैंक यू सो मच। कोई बात करना चाहते हो इन जनरल, आई विल बी वेरी हैप्पी।
और ये भी इम्पोर्टेंट लर्निंग है, जो डर गया समझो मर गया, डरना मत शर्माना मत, कुछ बात है तो पूछो। हाँ प्लीज। आप तो मेरे स्टूडेंट निकले है सी। हाँ मैं दोनों चीज आंसर करता हूँ। गेट के बारे में देखिए, गेट एग्जाम क्या है, सारी चीजें क्या, वो अलग बात है। बीटेक के अंदर आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 40। हर साल 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। गेट के अंदर हम कौन से सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होते हैं? आपके कोर 10 सब्जेक्ट। सो क्या क्वेश्चन ऐसा है कि मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं बीटेक स्टूडेंट और साथ में मैं यूपीएससी के लिए पढ़ूं कि नहीं? उसमें आपको एडिशनल एफर्ट देना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। बट टॉकिंग अबाउट गेट, अगर आप एल्गोरिथम्स डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम सब नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ रहे हो तो क्या आप कोई अलग काम कर रहे हो क्या? नहीं, वो सारी नॉलेज अगेन आपको कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बाद में कंपनीज में काम आ रही होगी। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करूं या गेट के लिए प्रिपेयर करूं या यूनिवर्सिटी एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करूं, जो कोर अच्छे से करो ना, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सो गेट का जो सिलेबस है दैट इज द सबसेट ऑफ द सिलेबस ऑफ योर यूनिवर्सिटी ओनली, हम कुछ अलग से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। बट द पॉइंट इज, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है या डीबीएमएस पढ़ना है या एल्गोरिथम पढ़ना है, उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ना है, यही है। तो कॉलेज की तो सर बैठे हुए मैं बोलूंगा नहीं, अटेंडेंस तो आपको पूरी करनी है, असाइनमेंट से लिखना ही है, उसके अलावा जो समय मिलता है उसके ऊपर आपको काम करना है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? यस। थैंक यू आदिक, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको कैसे पता, ये तो मेरे बारे में क्वेश्चन पूछा, इन जनरल आप सब में से किसी को भी कैसे पता कि उसको क्या ही करना है? करके देख लो, करके देख लो। मैं स्टार्टिंग मैंने बोला बीटेक के बाद एमटेक करना था, ये मेरे को पता था क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट्स में मजा आ रहा होता है ना। फिर भी जब मैं कैंपस के अंदर गया तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था मेरे को करना क्या है। लेकिन इन एमटेक ओनली ना यू हैव टू डू सम लैब वर्क, है ना, उसके लिए गवर्नमेंट आपको स्टाइफन दे रही होती है 12,000 रुपीज। तो बीटेक के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आई वॉज टेकिंग सम एचटीएमएल लैब और माइक्रो प्रोसेसर लैब, और वहां मेरे को मजा आने लगा। लेकिन जैसे वो बोल रहा है, मैं जिस कैंपस में था 15 से 20 लाख का पैकेज नॉर्मल था, है ना। अगर हम कुछ भी नहीं करते ना वहां, तो नोएडा सैमसंग आरएनडी उठा के ले जाती है, 14-15 लाख तो वो भी दे देती थी। तो फिर ये सब एक्सपेरिमेंट क्यों करूं? तो मैंने पास आउट होने का इंतजार नहीं किया, मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने एक रिज्यूमे बनाया, और गेट में बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है, एकदम से कोई मौका भी नहीं देता पढ़ाने का, वो भी फर्स्ट ईयर का बच्चा। मैं कम से कम एक महीना दिल्ली के हर एक कोचिंग में घूमा हूं, मुझे किसी ने मौका नहीं दिया। बट फिर मैंने सोचा अभी क्या करूं, फिर मैं दिल्ली के बाहर गया, फरीदाबाद मेरठ रोड जाता था, ट्राई करता था, एक कोचिंग ने मौका दिया। फाइनली मैं रोज सैटरडे को सुबह, मैं पूरे वीक वेट कर रहा था सैटरडे संडे कब आए। सुबह ट्रेन पकड़ता था, मेरठ जाता था, 8 घंटा क्लास लेता था, रात को वहीं रुकता था, अगले दिन फिर 8 घंटा क्लास लेता, वापस आया, मंडे सुबह अपनी क्लास अटेंड करता था। बट जब मैंने करना शुरू किया, मेरे को पैसा मिलना शुरू हुआ, मेरे को फीडबैक मिलना शुरू हुआ, देन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड की ठीक है, अभी मेरे को प्लेसमेंट में बैठने में अभी भी 1 साल बाकी था। तो आप में से जिसको भी लग रहा है ना मैं करूं कि ना करूं, डोंट बी 0 और 1, बी ग्रे, कोशिश करके देखो, हैव फीडबैक, एंड देन ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा क्या करना। Any other question? Yes. You want to work with me? Session के बाद मुझसे बात करो, अभी ले चलेंगे आपको अपने साथ। हाँ, आप में से किसी को और भी बात करनी हो, कुछ लोग थोड़ा hesitate feel कर रहे होते हैं, क्लास के बाद बात करना, it's totally okay. Okay, that will be all. Thank you then.